चित्त से यही कहते थे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लो ये प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले लो तब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, निकट हो जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, मेरे प्राण प्राणों की सैया पर खड़े पड़े भगवत चिंतन में डूबे हुए, यह है भक्ति की पराकाष्ठा। और हम तो मखमल की सैया पर भी संसार में डूबे पड़े होते, कहाँ याद आते हैं परमात्मा, कहाँ याद आते हैं गुरुदेव भगवान, कहाँ याद आता है उनका दिया हुआ मंगलमय वचन। वो तो कभी संकट विपत्ति आ जाए, कभी ऐसी कोई प्रतिकूलता आ जाए, तो तब हम याद करते, हे गुरु महाराज जी लाज रख लेना, हे गुरु महाराज जी बचा लेना, हे गुरु महाराज जी आज भूल हो गई आगे से याद रखेंगे। इस बात तो लेकिन ये भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर पड़े पड़े परमात्मा के चिंतन में डूबे, तो इस प्रकार से भगवत दर्शन हुआ। कुरुक्षेत्र की महिमा है और गंगा पुत्र भीष्म की जिज्ञासा पर कुरुक्षेत्र में गंगा जी को बुलाया गया और उन गंगा का नाम है बाण गंगा। कुरुक्षेत्र में गंगा आई, उनका नाम भागीरथी गंगा नहीं है, कौन सी गंगा है, वान गंगा। और वृंदावन में भी गंगा मैया आई गिरिराज में, उसका नाम ना तो भागीरथी गंगा है ना वान गंगा है, उनका नाम है मानसी गंगा। नाउ मेरे वीर नहीं माने मोरा मनवा, ठाकुर जी का प्राकट्य होने दो, हम चलेंगे आप सारे चलेंगे गिरिराज के पास, नाचते गाते चलेंगे वहां। परसों को गोविंद का प्राकट्य होगा इसी भवन में, आपके साथ हम नंदोत्सव मनाएंगे इसी भवन में, इसी हॉल में ठाकुर का प्राकट्य होगा। तो इस प्रकार इस क्रम को बढ़ाते हुए वीर अभिमन्यु के पुत्र उत्तरानंदन का जन्म, उन्हें राज्य दिया, पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए।
परीक्षित ने अपने दादा परदादाओं के नक्शे कदम पर चलकर प्रजा को पुत्र के समान मानते हुए पालन किया। लेकिन एक दिन कलिकाल का दर्शन मिला, कलयुग का दर्शन मिला। आपको मिला कभी? हाँ, आप तो रहेंगे वो देखा रही है। हम तो कलयुग के परिवार में रहते हैं, मिले ना मिले। वो घड़ी सुलखनी है जिस दिन हमारे परिवार में कोई ऊंचा ना बोले। वो दिन महाराज जी हमारे लिए यज्ञ के समान है जिस दिन हमारे घर में कोई एक दूसरे को गाली ना दे। हम तो कलयुग में रहते, लेकिन परीक्षित को मेल हुआ क्योंकि वे राजा और बड़े आदमी से साइन करा के कुछ भी किया जा सकता है। राजा परीक्षित उदार है, राजा परीक्षित साधु सेवी है, राजा परीक्षित साधु स्वभाव। राजा ने कहा चलो यहाँ वहां कहा हमारे राज्य में कोई बेईमानी की संपदा आती नहीं है, तो जा तू सोने में रह जा। तो उसने कहा ये तो बहुत छोटी सी जगह दिया महाराज, हम थोड़ा सा और ठिकाना मिल जाए। जो किराएदार हमारे घर को कब्जा करना चाहते हैं वो ऐसे करते हैं। आपके तो दो कमरों में मैंने ताला लगाया, तो कनाडा से आके कई बार रहना होता है। तो वो जो कब्जे की नियत से किराए पे आया वो तो आपसे किसी ना किसी बहाने दो कमरों की चाबी अब ले लिया। कलयुग ने चार कमरे घेर लिए, दूतम पालम स्त्रिया सोना जुआ व्यभिचार हिंसा आदि आदि आदि। अब वो देखने लगा कि दरवाजा खुला कब मिलता है घर का, मौका देख रहा था, मिल गया। जरासंध का मुकुट जो अभिमानी राजा के सिर पर था आज महाराज परीक्षित ने पहन लिया। कलयुग का एक स्वरूप है कि जिसको दुनिया का चकमक अच्छा लगे समझो उसने कलयुग को देखा है। हमें बड़ों ने कहा बेटा दूसरे की चीज को देखकर भटकते नहीं, बेटा दूसरे की चीज को देख करके कभी भी अशांत नहीं होते। तो कलयुग ने आकर सिर के ऊपर उस मुकुट में डेरा डाला, बुद्धि जो है विपरीत हो गई। जिन साधु महात्माओं का मान सम्मान उनके लिए अपमान, जीवन श्रापित हो गया, अपराधिक कर्म हो गए, पाप का स्वरूप बना, परिणाम हुआ श्राप, और श्राप के बाद दुर्गति, हाहाकार मच गया। भागवत जी और किसी गुरुदेव के सानिध्य की आवश्यकता हुई। राज छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पत्नियां छोड़ दी, सुख साधन छोड़ दिए, जनमेजय को राजा बना दिया। और कोई ऐसा मिल जाए जो मेरी बाह पकड़ ले, हम तो अधर में पड़ गए। लेकिन जब पता लगे इसने साधु का अपराध किया है, क्योंकि महात्मा निर्दोष है। घर छोड़ने का मतलब यही है, परिवार छोड़ने का मतलब यही है, अपना कुर्मा अपनी बिरादरी अपना सब कुछ छोड़ने का मतलब यही है कि इसने इतने दोषों से छुटकारा पा लिया। अब साधु का दोष, साधु का बुरा करने वाला, अरे बाबा आपने महात्मा का अपराध किया। ना ना ना, ना भैया जाओ जल्दी यहां से भाग। किसी ने कहा कि मुजफ्फरनगर के पास गंगा के तट पे एक तीर्थ है जिसका नाम उस समय गंगा तीर्थ था,
आप वहां चले जाओ, ढेर सारे महात्मा वहां बैठे हैं। राजा परीक्षित वहां गए और चारों तरफ देख रहे हैं, कोई तो हो जो मुझे अपना ले, कोई तो हो। और पुकार कर बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो धारी रे दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। Okay.
जब किसी ने अपनाया नहीं तो दादी द्रौपदी की बात याद आई। बड़ों की बात कहते हैं, बड़ों की बात और आंवले का स्वाद तुरंत नहीं पता चलता, बाद में पता चलता है। आज पता लगा कि मेरी दादी द्रौपदी ने मुझे कहा था कि बेटा सब दिन होते ना एक समान। Thank you.
Oh,
आरती करूं बागे बिहारी आरती हरी दास के प्यारे गुरुदेव के लहर।